हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ फ्रॉम TechBattle एंड वेलकम टू द लैपटॉप सीरीज। तो इस लैपटॉप सीरीज में हम हर कैटेगरी के हिसाब से लैपटॉप्स आपको रेकमेंड करते हैं। तो आज जो कैटेगरी हम कवर करने वाले हैं वो है फॉर ग्राफिक डिजाइन। हमने और भी कैटेगरीज के लिए वीडियो बनाया है, तो हमारा लैपटॉप सीरीज वाला प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलना। सो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये वीडियो जो है वो स्पेसिफिकली फॉर ग्राफिक डिजाइनर्स है, मतलब मैं यहाँ पे एडिटिंग और एनिमेशन को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। सो अगर ग्राफिक डिजाइनिंग में आप फोटोशॉप, इलुस्ट्रेटर, स्केच, इंकस्केप ऐसे टाइप के एप्लीकेशन यूज करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो क्या चीजें आपको कंसीडर करनी चाहिए अगर आप लैपटॉप ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए ले रहे हो? सबसे पहली चीज है वो लैपटॉप का सीपीयू, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन सीपीयू हंग्री होते हैं, ना कि जीपीयू हंग्री। अच्छा ग्राफिक कार्ड रहे तो अच्छी ही चीज है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका जो प्रोसेसर है और उस लैपटॉप का जो डिस्प्ले है। सबसे पहली कैटेगरी हम कंसीडर करते हैं 25 टू 35 के अराउंड जो लैपटॉप्स है उनकी। सो इस कैटेगरी में यू कैन कंसीडर लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3, एसस X509MA एंड एसस वीवो बुक 14। अगर आपका बजट बहुत ही टाइट है, आप बिल्कुल भी एक्सपांड नहीं कर सकते, तभी इन लैपटॉप को लें, क्योंकि आप इनसे बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो इस कैटेगरी के कुछ लैपटॉप्स में आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, जिसमें आपको एक में 8GB रैम दिया रहेगा और दूसरे वेरिएंट में 4GB रैम प्लस SSD। सो मैं आपको रेकमेंड करूंगा 4GB रैम प्लस SSD वाला, क्योंकि रैम इज इंपॉर्टेंट बट SSD ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पूरा एक्सपीरियंस SSD पे डिपेंड करेगा। और मेरे ओपिनियन में आप कितना भी लो बजट लो बट SSD होना मस्ट है, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत खराब हो जाता है अगर SSD नहीं है आपके लैपटॉप में। तो लेट्स जंप टू द कैटेगरी अराउंड 40,000 रुपीज। यहाँ मैं रेकमेंड करूंगा HP 14 2021, एसस वीवो बुक 14 एंड MI नोटबुक 14। तो अगर हम 50,000 की कैटेगरी की बात करें तो यहाँ मैं आपको रेकमेंड करूंगा HP 15 2021 एंड MI नोटबुक 14 होराइजन एडिशन। सो मैं जो भी लैपटॉप्स आपको रेकमेंड कर रहा हूँ वो करंट प्राइसिंग के हिसाब से जो मैं वीडियो बनाते हैं टाइम देख रहा हूँ। सो अगर आप वीडियो थोड़ा दिन बाद देखो तो प्राइसेस चेंज हो सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो मैंने आपको लैपटॉप्स रेकमेंड किए उनके स्पेसिफिकेशन देखो, और उससे सिमिलर आपको कोई स्पेसिफिकेशन वाला लैपटॉप मिल रहा है तो उसे ले लो। एंड यू कैन ऑल्सो वॉच आर लैपटॉप बाइंग गाइड वीडियो। ये वीडियो आपका बहुत हेल्प करेगा आपके लिए बेस्ट लैपटॉप सिलेक्ट करने में। लेट्स जंप टू द 60,000 बजट कैटेगरी। हियर आई विल रेकमेंड HP पेविलियन 2021, एसस वीवो बुक S14 एंड लेनोवो आइडियापैड स्लिम 5। सो आपने नोटिस किया होगा ना कि कुछ लैपटॉप्स के नाम कैटेगरी के हिसाब से रिपीट हो रहे हैं। सो क्या होता है ना, कुछ लैपटॉप्स होते हैं उनके नाम सेम होते हैं बट हर बजट कैटेगरी के हिसाब से वो प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड्स वगैरह अपग्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल HP 14 ये आपको 35 के भी कैटेगरी में मिल जाएगा और 50,000 के भी कैटेगरी में मिल जाएगा। सो जो मॉडल मैं एग्जैक्टली सजेस्ट कर रहा हूँ वो आप डिस्क्रिप्शन में से चेक कर सकते हैं। नाउ लेट्स जंप टू द कैटेगरी अराउंड 70,000 रुपीज। हियर आई विल रिकमेंड लेनोवो आइडियापैड स्लिम 5, एसर एस्पायर 5, एसर जेनबुक 14 एंड HP पवेलियन। ये प्राइस पॉइंट काफी कॉम्पिटेटिव है, यहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे लैपटॉप्स देखने को मिल जाते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग लैपटॉप्स रेकमेंड कर रहा हूँ। सो लेट्स जंप टू द बजट अराउंड 80,000 रुपीज। बट उसके पहले मुझे एक चीज कहनी है, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं अबाउट टच स्क्रीन लैपटॉप्स, मतलब वो डिजाइनिंग के लिए यूज कर सकते हैं क्या स्टाइलस वगैरह लेके। सो मैं आपको रेकमेंड करूंगा टच स्क्रीन लैपटॉप की जगह पे नॉर्मल लैपटॉप ले, क्योंकि उनका स्पेसिफिकेशन अच्छा होता है। और उसी के साथ साथ आप एक ड्रॉइंग टैबलेट ले लें जो कि आपको आराम से 5,000 के अंदर ही मिल जाएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आईपैड प्रो ले सकते हैं, वो बहुत सारे जो आर्टिस्ट होते हैं उनका रिकमेंडेशन होता है, वहां के जो एप्लीकेशन होते हैं काफी स्पेसिफिक होते हैं। तो जरूर एक बार चेक कर लेना कि जो एप्लीकेशन आप रन करना चाहते हैं वहां पे चलता है कि नहीं। सो फॉर 80,000 आई विल रिकमेंड एसस वीवो बुक S14, HP पवेलियन एंड लेनोवो आइडियापैड 5। सो लेट्स जंप टू द बजट अराउंड 90K। सो यहाँ मैं रेकमेंड करूंगा आपको मैकबुक एयर विथ M1 चिप। तो उसके आगे भी जो भी बजट है उसके हिसाब से भी मैं आपको मैकबुक ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि जो M1 चिप वाले मैकबुक्स है ना वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे आपको और काफी अच्छी बैटरी लाइफ भी देंगे। तो ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस होगा ना वो काफी अच्छा हो जाएगा। और अगर आपका बजट 1 लाख एंड अबव है तो आप मैकबुक प्रो के लिए भी जा सकते हैं। तो इसके साथ अगर आपका बजट अलाउ करता है तो मैं आपको एक और चीज रेकमेंड करूंगा, अगर अपना सेटअप बना रहे हो तो अपने लैपटॉप के साथ मॉनिटर भी कनेक्ट कर लो, क्योंकि मे बी आपका जो लैपटॉप का स्क्रीन है वो उतना अच्छा ना हो बट अगर आप मॉनिटर अटैच करते हो तो अच्छे से आप अपनी डिजाइनिंग वाले वर्क कर सकते हो। एंड अगेन सेइंग कि स्पेसिफिकेशन अच्छे से चेक करके ही लैपटॉप लेना, क्योंकि प्राइसेस हो सकती हैं चेंज। और कोई डाउट है तो हमारा लैपटॉप बाइंग गाइड वाला वीडियो देख सकते हो और हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। और ये लैपटॉप सीरीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो लैपटॉप्स लेना चाहते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।